काफ़ी अरसे से हम मेडिकल टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर सके क्योंकि बहुत सारे आ, ऐसे हालात हाजरा के टॉपिक्स थे जैसे करोना खासतौर के ऊपर तो जिस सिलसिले में हम और कुछ और बातें भी ऐसी हुई तो मैंने अपने इनबॉक्स में देखा है बहुत सारे सवाल इकट्ठे हुए हैं तो मैंने सोचा कि आज हम छाती के कैंसर के ऊपर बात करें ये क्लासीफाइड गुफ्तु नहीं है दिस इज़ नॉट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स ये या किसी ट्रेनिंग टीचिंग के लिए नहीं है बल्कि ये जो हमारे बहन भाई हैं ना जो कि डॉक्टर नहीं हैं ये उनकी मालूम के लिए है। तो उसमें जो सबसे अहम बात बताने की ये है कि इस वक्त दुनिया में जितने कैंसर हैं ना उनमें से जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है फीमेल के अंदर खातून के अंदर वो छाती का कैंसर है और आप हैरान होंगे कि एक ज़माने में जब हम स्टूडेंट थे तो ये बताया जाता था कि ये कैंसर कॉमन है यूरोप के अंदर और मगर सोसाइटी के अंदर ज़्यादा कॉमन है वो लोग जो ज़्यादा अमीर हैं उनमें वो कॉमन है जिन खुत की शादी लेट होती है ये उनमें कॉमन है जो बच्चों को दूध नहीं पिलाते उनमें कॉमन है लेकिन अब ये देखने में आया है कि जिस तरह से ये वेस्ट में कॉमन है हमारे इलाके में भी उसी तरह कॉमन है और शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब आउटडोर के अंदर छाती के कैंसर का पेशेंट ना आता हो और वो जो ये कहना था ना कि ये थोड़ा सा ज़्यादा उम्र की खातन के अंदर होती है और वो जिनके बच्चे नहीं होते उनको होती है तो मैंने तो ऐसी भी देखी हैं लड़कियाँ जिनकी बाईस बाईस साल उम्र होती है दो तीन बच्चे भी होते हैं और उनको छाती का कैंसर होता है तो इसलिए और एक अदाद शुमार के मुताबिक हर दसवीं ख़ातून पाकिस्तान में उसको चांस है कैंसर होने का लिहाजा अगर सौ खातन बैठी हुई हैं तो उनमें से दस को चाँद से कैंसर होने का तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी कामन बीमारी है इसलिए तमाम लोगों को इसके बारे में मोटी मोटी बातें पता होनी ज़रूरी हैं ख़ातन को ख़ासतौर पर लेकिन मर्दों को भी पता होनी ज़रूरी है वो ये गुजारिश है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं टेक्निकल बात कोई ना करूँ लेकिन जो वाकई याद रखने की बातें हैं वो की जाएँ देखिए जो अल्लाह ताला ने बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ को यानी ये छातियाँ जो दी हैं इनके अंदर वदूद होते हैं ग्लैंड होते हैं जो दूध पैदा करते हैं छाती का कैंसर वो बीमारी है जिसमें उन उनूदों के अंदर रसौली बन जाती है और वो जो रसौली है जब तक छाती में होती है तो उसमें तो कोई दर्द नहीं होता और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मरीज़ फ़ौरन डॉक्टर के पास नहीं आते और वो कहते हैं जी छाती में गिल्टी तो थी मगर दर्द नहीं हुआ और शर्म की वजह से उन्होंने किसी को बताया नहीं तो जब तक तो वो छाती में होती है तो सिर्फ गिल्टी होती है उसके बाद वो कुछ अर्से के बाद फैलना शुरू कर देती है और वो बगल के अंदर जो गिल्टियाँ हैं वहाँ चली जाती है फिर इसके अलावा जिसम का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ वो ना जा सकती हूँ हड्डियों में जा सकती हैं जिगर में जा सकती हैं दिमाग में जा सकती हैं फ़र्ज़ करें अगर वो जिगर में जाएंगी तो बहुत शदीद यरकान हो जाएगा अगर वो हड्डियों के अंदर और जिगर के यानी अफाल जो है वो मुतासर हो जाएंगे जब हड्डियों में जाएंगी तो हड्डियों में दर्द भी होना शुरू हो जाएगा हड्डी टूट भी सकती है जब दिमाग में जाएंगे तो असाबी निज़ाम जो है वो सारा मुतासर हो सकता है पेट में जाने की वजह से पेट में पानी पड़ सकता है तो अगर इस बीमारी को बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो ये बीमारी नाकबले इलाज हद तक यानी सीरियस हो जाती है और जिसमें जान के ख़तरे का इम्कान है अगर कोई इसका हल है तो वो हल सिर्फ ये है कि ये जितनी जल्दी हो सके हम इसको तशीस कर सकें बहुत सारे दुनिया के मुल्कों के अंदर जिन लोगों को कोई अलामत नहीं भी होती तो वहाँ भी तशीस का एक निज़ाम मौजूद है जैसे स्क्रीनिंग कहते हैं और ये रिकमेंडेड है कुछ मुल्कों के अंदर तो कानून के तहत है गो पाकिस्तान में भी ये कानून नहीं बना लेकिन ये मैं स्ट्रॉगली सबको रिकमेंड करूँगा कि वो तमाम खवतिन जिनको कोई अलामत नहीं है कुछ भी बीमारी नहीं है लेकिन उनको पैंतीस साल की उम्र तक जब वो पहुँचें तो उन्हें एक टेस्ट करवाना चाहिए जिसे मेमोग्राम कहते हैं इस टेस्ट में कोई तकलीफ नहीं होती कोई दर्द नहीं होता कोई टीका नहीं लगता ये एक ख़ास किस्म का एक्सरे है जो छाती का किया जाता है तो तमाम ख़वात मेरी बहनें और बेटियां जो सुन रही हैं पैंतीस साल की उम्र में आपको एक दफ़ा ज़रूर मेमोग्राम कराना चाहिए नंबर दो जिन खवीन के फैमिली के अंदर किसी को कैंसर हो चुका है यानी किसी की माँ को छाती की गिल्टी थी उसकी खाला को थी पूपी को थी तो ऐसे तमाम ख़ातन को पैंतीस नहीं तीस साल की उम्र में स्क्रीनिंग के लिए मेमोग्राम करा लेना चाहिए इसका यह फ़ायदा होगा कि अल्लाह ना करे ये बीमारी शुरू के स्टेज के ऊपर ही पकड़ी जाएगी तो ये तो उन खातन के लिए है जिनको कोई अलामत नहीं इसके अलावा जिन खुवा को कोई अलामत हो सकती है और उस अलामत के पता लगते ही फौरन उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो ये है नंबर एक छाती में किसी किस्म की कोई गिल्टी महसूस हुई नंबर एक तरफ की छाती दूसरी छाती की नस्बत बड़ी या छोटी हुई थोड़ी बहुत फर्क तो हो सकता है लेकिन यानी काफी ज्यादा फर्क अगर हो इसी तरीके से जो निप्पल है वो निप्पल अगर सुकड़ जाए या उसकी शक्ल तब्दील हो जाए तीन नंबर चार किसी किस्म की कोई रतूबत खून की शक्ल में पानी की शक्ल में अगर निप्पल से आए और वो बगैर वजह के आना यानी जो बच्चे को जब दूध पिलाना है तो ज़ाहिर है उसमें से दूध आता है मगर उसके अलावा आना शुरू हो जाए तो ये नंबर चार बगल में अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो ये वो तमाम अलामत हैं जिन अ में फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक टेस्ट करेगा जिसको हम कहते हैं ट्रू कट बायोपसी वो बिल्कुल जैसे आम सुई होती है उसकी नस्बत ज़रा मोटी सुई होती है जिसके ज़रिए वहाँ से मवाद ले लिया जाता है और वो मवाद लबॉर्ट्री में चेक किया जिसको वापसी कहते हैं और उसमें बीमारी का पता लग जाता है दूसरी एक अहम बात यह है कि जब ये बात खुवान को बताई जाती है तो खौफ में आकर बाज़ात ख़ातन को वहम हो जाता है कि मुझे कैंसर हो गया है तो आपने उस वहम को भी अपने ऊपर तारीफ नहीं करना यानी बग़ैर वजह कि अगर आपको डॉक्टर ने एक दफ़ा कह दिया कि आपको कोई मसला नहीं है तो फिर आप उसको अपने सर पर संवार नहीं करेंगी लेकिन जो अमत मैंने कही हैं इनमें से कोई भी अलामत आपको मिले ख़ास तौर पर छाती में गिली और निप्पल में से किसी किस्म का डिस्चार्ज होना या छाती की शक्ल एक दूसरे से चेंज होनी तो ऐसी सूरत के अंदर फौरी तौर पर डॉक्टर से राबता करना ज़रूरी है और जब रबा हो जाए और खुदा न खास्ता कैंसर की तश्ीस हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस कैंसर की चार स्टेज़ हैं और पहली स्टेज और दूसरी स्टेज के अंदर आपके ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अगर स्टेज थ्री और स्टेज फोर हो तो चांसेस कुछ कम हो जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काबिल इलाज नहीं है उसमें भी इलाज हो सक हो सकता है सबसे बड़ी कोताही जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम टाइम पर डॉक्टर के पास ना जाएं और अगर हम टाइम पर डॉक्टर के पास चले जाएं तो ये काबिल इलाज मुझे अपनी प्रैक्टिस में याद है बहुत सारी हमारे पेशेंट्स तीस तीस साल से मुझे ऐसे मरीज़ का भी याद है जिसका मैंने आज से कोई तकरीबन सत्ताईस अट्ठाईस साल पहले ऑपरेशन किया होगा और वो माशाल्लाह बिल्कुल खैर खरीत से हैं उनमें से बास के बाद में बच्चे भी हुए और वो भी बिल्कुल खैरियत से हैं तो ये बीमारी काबिल इलाज है अगर हम फौरी इसका इलाज करा रहे हैं हमारे यहाँ यहाँ पंजाब में ख़ासतौर पर देहात में एक बहुत अजीब बात है कि जी इसको लोहा नहीं लगाना अगर लोहा लगाया ना तो ये फैल जाएगी और ये बात बिल्कुल गलत है लोहा लगाने का मतलब यह है कि जब स्टेज फोर में आया तो उस वक्त अगर उसका टेस्ट किया और कैंसर निकला और मरीज़ चार महीने बाद फौत हो गया तो आपने उसको एक मिसाल बना लिया कि चूंकि हमने उसको लोहा लगाया था तो इस वजह से हो गया तो ये तो कोई सही मिसाल नहीं है अगर हम जल्दी इस बीमारी को तश्ीस कर लेंगे तो ये इन शबिल इलाज है अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे और अपने हिफो अमान में रखे ख़ास तौर पर वो बचियाँ खातिन जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री है उनको ख़ास तौर पर केयरफुल होना चाहिए और बस आखिर में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जिसको हम टेक्निकली कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट उसका मतलब ये होता है कि महीने में एक दफ़ा तमाम ख़वात को अपना हाथ को छाती पैसे रख के और फील करना चाहिए महीने में एक इसको कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट और अगर फर्ज करें हाथ के नीचे और छाती के दरमियान कोई ज़रा सी गिली सी महसूस हो तो वहम ना करें लेकिन फ़ौर डॉक्टर से रता करें थैंक यू